गुड मॉर्निंग बेटा। हम एरर्स कर रहे थे, प्रोपेगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मैंने कल आपको एडिशन करवाया था, सब्ट्रैक्शन करवाया था कि एक्स चाहे दो क्वांटिटीज का एडिशन हो या एक्स दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन हो, उनमें पॉसिबल एरर डेल्टा एक्स उनके इंडिविजुअल्स एरर्स के सम के क्या होगा, इक्वल। कि चाहे एक्स ए प्लस बी हो, चाहे एक्स ए माइनस बी हो, उनमें उस क्वांटिटी में एरर उनके इंडिविजुअल्स एरर्स के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। एब्सोल्यूट एरर्स होते बेटा ये। नेक्स्ट है हमारे पास एरर इन मल्टीप्लाई। एरर इन मल्टीप्लाई, एरर इन मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई बोल दो या एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट ये कहता है अगर हमारी x कोई भी क्वांटिटी अदर टू क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई के इक्वल है तो तब उनमें एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इफ x इज मल्टीप्लाई ऑफ टू क्वांटिटीज लाइक a इंटू बी। अगर x हमारी क्वांटिटी है अदर टू क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई, लाइक कैसे देखा देखिए बेटा, हम इसको जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। क्या होता है एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ की डिफरेंट वैल्यूज, ब्रेथ के अलग। लेंथ में एरर डेल्टा एल, ब्रेथ में एरर डेल्टा बी, तब उस एरिया में एरर क्या होगा, तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे हम, एरर इन प्रोडक्ट या एरर इन मल्टीप्लाई। क्लियर बेटा? लेट क्या कंसिडर किया हमने, एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। क्या कहें हम यहाँ पे कि लेट हमने क्या माना, डेल्टा ए, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी, आर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी, इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी में एब्सोल्यूट एरर्स क्या हैं, डेल्टा एंड डेल्टा बी, एंड डेल्टा एक्स बी द एब्सोल्यूट एरर, बी द एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए और बी की प्रोडक्ट में जो एरर है, ए और बी की प्रोडक्ट क्या है एक्स, और एक्स में जो एरर है वो क्या कंसिडर कर लिया हमने, डेल्टा एक्स। एज वी नो, हमें पता है कि हम ए को क्या लिख सकते हैं, कि ए, ए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा हम, विद एब्सोल्यूट एरर्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सिमिलरली हम बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू वैल्यू बी प्लस माइनस पॉसिबल एरर डेल्टा बी। एंड सिमिलरली हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स को, एक्स ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एक्स। क्लियर बेटा? तो हमने वैल्यू पुट करवाई किसमें, एक्स में। क्या था आपके पास एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो एक्स को हमने किससे प्रेस करवा दिया, विद एरर लिमिट्स एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, ए के जगह पे ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये क्या होती है आपकी ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी, एंड डेल्टा ए पॉसिबल एरर इन दैट क्वांटिटी। एक्स इस पूरे टर्म में से बेटा हमने एक्स कॉमन निकाल दिया, तो एक्स कॉमन निकाला, क्या बचा हमारा, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू। इस फर्स्ट टर्म में से हमने ए बाहर कॉमन निकाल दिया, तो ए बाहर जाते वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। सिमिलरली बी कितना है हमारा, वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। क्या लिख सकते थे हम इसको, एक्स इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए, ए इंटू बी। ये चारों टर्म है तो मल्टीप्लाई में ही, तो हमने क्या लिख दिया, ए इंटू बी इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ए और बी को हमने बाहर लिख दिया। अब देखा हमने कि ए इंटू बी तो किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल। ए इंटू बी तो क्या होता है, इंटू बी तो एक्स होता है, एक्स से ये एक्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल।
ए इंटू बी क्या बन गया आपका एक्स, एक्स से ये एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचा वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू वन प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। एक्स से हमारा एक तरह से ये एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, क्लियर बेटा, वन प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। एक्चुअल में डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है, डेल्टा एक्स एब्सोल्यूट एरर और एक्स क्या हमारी ट्रू वैल्यू, तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू तो परसेंटेज एरर होता है ना, रिलेटिव एरर होता है, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बन जाता है परसेंटेज एरर। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करवाई, पहले 1 की मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस, अब डेल्टा ए बाई ए की मल्टीप्लाई, डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए मल्टीप्लाई विद डेल्टा बी बाई बी। अगर हम 1 को इधर लेके आए तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 1 से 1 क्या हो गया हमारा कैंसिल, 0 बन जाएगा, क्या बचा है यहाँ पे आपका डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। ये कहता है डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए इज स्मॉल, डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी आर स्मॉल, ये दोनों टर्म्स क्या हैं बहुत छोटी होती हैं भी, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, एरर तो बहुत कम होता है इज कम्पेयर टू ट्रू वैल्यू, उन दोनों का रेशियो और उसकी प्रोडक्ट डेल्टा बी बाई बी के साथ, दिस बोथ आर स्मॉल सो देयर प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल, सो देयर प्रोडक्ट इज वेरी स्मॉल, तो ये छोटे हैं तो इनकी प्रोडक्ट तो बहुत छोटी हो जाएगी, इज वेरी स्मॉल, सो दिस टर्म कैन बी नेगलेक्ट, हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं बेटा नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस टर्म को नेगलेक्ट, देन क्या बचा हमारा डेल्टा एक्स वाई एक्स प्लस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, क्लियर बेटा, ये क्या है हमारे पास रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन ए एंड दिस इज रिलेटिव एरर इन बी। क्या 4 पॉसिबिलिटीज होती हैं भाई, या तो ये बहुत पॉजिटिव हो जाए या बहुत नेगेटिव हो जाए, या ए पॉजिटिव बी नेगेटिव या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो क्या कहें हम ऑल फोर पॉसिबिलिटीज क्या आई हमारे पास, ऑल फोर पॉसिबिलिटीज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी और एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी डेल्टा एक्स बाई ए, कि या तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या हो जाए दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या हम क्या कहें ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और क्या कह सकते हैं हम ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, और डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी एंड माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई बी। बट मैक्सिमम किस में होगा बेटा, जब या तो बोथ पॉजिटिव होंगे या बोथ कैसे होंगे हमारे पास नेगेटिव, बट डेल्टा एक्स बाई एक्स इज मैक्सिमम व्हेन आइदर बोथ पॉजिटिव आइदर बोथ नेगेटिव डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, बाहर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया, या तो दोनों पॉजिटिव या नेगेटिव जाएगा तो दोनों नेगेटिव, तो क्या कहें हम एक तरह से यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि अगर हमारा ये क्या आया बेटा हमारे पास डेल्टा एक्स वाई एक्स, अगर हमारा हमें कंक्लूजन क्या निकला, अगर हमारा एक्स दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है लाइक ए इंटू बी, तब हमारा एरर डेल्टा एक्स नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा रिलेटिव एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स, और वो किसके इक्वल होगा सम
ऑफ रिलेटिव एरर, किसके इक्वल होगा वो, सम ऑफ रिलेटिव एरर। क्या है हमारा ये, रिलेटिव एरर। रिपीट कर रही हूं मैं, मैंने आपको इससे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करवाया, अगर एक्स दो नंबर्स की एडिशन थी तो सीधा एरर उनके एरर्स के सम के इक्वल, अगर सब्ट्रैक्शन था तो भी एरर उनके एरर्स के सम के इक्वल, लेकिन अगर एक्स दो नंबर की मल्टीप्लाई है तो अब हम सीधा एरर नहीं निकालेंगे, क्या मिलेगा हमें, रिलेटिव एरर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, रिलेटिव एरर इन एक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। क्या कहा हमने, सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज। अगर एक्स हमारी दो क्वांटिटीज की क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है। क्लियर बेटा, ये था हमारे पास एरर इन मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्वेश्चन है बेटा हमारा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर, कि एक रेक्टेंगल है उसकी आपको लेंथ गिवन है और हमें उसकी ब्रेथ गिवन है। ये उस रेक्टेंगल की क्या दे दी हमें, लेंथ, और ये हमें उस रेक्टेंगल की क्या दे दी, ब्रेथ। एल और बी दोनों हमें गिवन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है विद एरर लिमिट। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एल इज इक्वल्स टू 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कितना है, 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ बी, एंड ब्रेथ बी कितना गिवन है, 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। कितना है, 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। हम ये क्या कहते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या होती है, ट्रू वैल्यू। ये क्या हमारी लेंथ की, ट्रू वैल्यू, और ये हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। क्या आया हमारा ये लेंथ में, एब्सोल्यूट एरर। सिमिलरली ये ब्रेथ की ट्रू वैल्यू और ये ब्रेथ में एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा बी, और ये हमारे पास क्या है, डेल्टा एल। क्लियर, अब हमें निकालना है एरिया। क्या निकालना हमें, एरिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू में ब्रेथ। क्या होता है हमारा एरिया, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये कहता है यानी कि एरिया ए क्या आया हमारा, मल्टीप्लाई ऑफ एल इंटू बी। तो हमारा एरिया दो क्वांटिटीज की क्या है, मल्टीप्लाई। एरिया की ट्रू वैल्यू, एरिया की ट्रू वैल्यू ए कितना है, एल इंटू बी। एल कितना है, 5.7, ट्रू वैल्यू कितनी है एल की, 5.7, और ब्रेथ की कितनी है, 3.4। ब्रेथ की ट्रू वैल्यू कितनी है, 3.4। हम क्या करेंगे इनकी, मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास आ गया 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तरह से हमने एरिया की ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या निकालना, एरिया विद इन एरर लिमिट। क्या निकालना हमें एरिया में, विद एरर लिमिट। क्या कहते हैं बेटा हम, जब भी दो क्वांटिटीज की क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो उनका रिलेटिव, उसका रिलेटिव एरर उनके इंडिविजुअल्स रिलेटिव एरर्स के सम के इक्वल होता है। उसका रिलेटिव एरर इंडिविजुअल रिलेटिव्स एरर्स के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या कहें हम कि हमारा, राउंड ऑफ कर दिया इसको, 90 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हम क्या कहें बेटा कि अगर ए कितना है, एल इंटू बी, तो रिलेटिव एरर कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन एल, डेल्टा एल बाई एल, प्लस रिलेटिव एरर इन बी, डेल्टा बी बाई बी। डेल्टा एल एब्सोल्यूट एरर इन एल, एल ट्रू वैल्यू ऑफ एल, डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर इन बी, एंड बी ट्रू वैल्यू ऑफ बी। चारों वैल्यू है हमारे पास, एल डेल्टा एल, बी डेल्टा बी। हम पुट करवा दें, कितना है हमारा, प्लस माइनस डेल्टा एल कितना बेटा, डेल्टा एल 0.1, एल कितना है 5.7, प्लस डेल्टा बी 0.2 एंड बी 3.4।
हमने चारों की वैल्यू पुट की, डेल्टा ए बाई ए यानी कि रिलेटिव एरर इन ए हमारे पास आया, एलसीएम लेंगे हम इसको सोल्व करेंगे। तो कह रहे हैं हमने इसको सोल्व किया, हमारी वैल्यू आई 1.48 अपॉन 19.38, क्योंकि एलसीएम लेते ही क्या बन जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, वो हमारे पास है ही, सोल्व कर दिया हमने। तो डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, डेल्टा ए ओनली, डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 1.48 अपॉन 19.38 मल्टीप्लाई में क्या आ गया बेटा यहाँ से ए, और ए क्या था एक्चुअल में 19.38, ए क्या था हमारे पास 19.38, ए की वैल्यू 19.38। तो पॉसिबल एरर इन एरिया, पॉसिबल एरर इन एरिया कितना आ गया बेटा 1.48। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते हैं हम, ए विद इन एरर लिमिट प्लस माइनस डेल्टा ए, ए कितना है आपका 19 प्लस माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तरह से अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी अदर टू क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई के इक्वल है तो क्या होगा हमारा एरर, उनके इंडिविजुअल्स रिलेटिव एरर के सम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कर दोगे इनको, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बेटा अगर आपको एल बी और एच दे रखा हो और आपको अगर क्या निकालना हो, वॉल्यूम, तो कैसे करोगे, वॉल्यूम क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो ट्रू वैल्यू तो क्या हो जाएगी उसकी एल इंटू बी इंटू एच। अब हमें क्या निकालना है, एरर इन वॉल्यूम, तो कितना होगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा एच बाई एच, और एल बी एच कैसे है, जैसे आपको ट्रू वैल्यू गिवन होती है तो वो तो क्या होती है आपकी एल, और उसमें जो पॉसिबल एरर होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ में डेल्टा एल, ब्रेथ में डेल्टा बी, और हाइट में क्या हो जाता है हमारे पास वो डेल्टा एच। इसी का एक क्वेश्चन उठाया मैंने, जैसे आपको सपोज करो गिवन है आपको लेंथ दे रखी है कि लेंथ इज इक्वल्स टू 12.13 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, आपको ब्रेड्थ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है 8.616 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड सिमिलरली आपको हाइट दे रखी है, एच दे रखा आपको 2.34 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो एक तरह से हमें वॉल्यूम निकालना था, तो ये तो क्या हो गया आपका एल, ये क्या हो गया हमारा डेल्टा एल, ये क्या है हमारे पास बी, और ये क्या है डेल्टा बी, ये क्या है हमारा एच, और ये क्या है डेल्टा एच। तो हम निकाल देंगे डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 0.02 अपॉन एल कितना है 12.13 प्लस बी कित, डेल्टा बी कितना है 0.01 अपॉन बी कितना है 8.16 प्लस डेल्टा एच कितना है 0.01 और एच कितना है 2.34। हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वी बाई वी की, डेल्टा वी बाई वी इसको सोल्व किया। अगर आपको वॉल्यूम में निकालना हो परसेंटेज एरर, हमने इसको सोल्व किया और हमें क्या निकालना है इसका परसेंटेज एरर, तो परसेंट ये क्या है हमारा रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, क्या है ये हमारा रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, रिलेटिव एरर है। और अगर आपको निकालना हो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, क्या निकालना हो बेटा आपको परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो क्या करें हम इसी वॉल्यूम को जो हमारा डेल्टा वी बाई वी क्या है रिलेटिव एरर आया है, इसी को अगर हम 100 से क्या करवा दें मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या बन जाएगा आपका परसेंटेज एरर, कितना हो जाएगा 0.02 अपॉन 12.13 प्लस 0.01 अपॉन 8.16 प्लस 0.01
अपॉन 2.34 और मल्टीप्लाई किससे करवा दें, अगर हम 100 से करवा दें तो क्या बन जाएगा हमारा ये परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम।